हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रिम्स इजी कुकिंग रेसिपीज में आप सबका स्वागत है। मैगी एक ऐसी रेसिपी है जो आप सब अपने अंदाज में घर में अलग अलग तरीके से बनाते ही होंगे, और मैंने भी शेयर किया है बहुत सारी मैगी की रेसिपी। लेकिन स्ट्रीट स्टाइल जो मैगी होती है ना, उसका स्वाद ही अलग होता है। मैंने घर में एक बार बनाया था और मुझे बहुत पसंद आई है ये रेसिपी, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं। तो शुरू करें। पसंद आए तो लाइक जरूर करना और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो स्ट्रीट स्टाइल मैगी बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर दिया है। तेल अभी गर्म हो गया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। एक मीडियम साइज प्याज को ऐसे बारीक काट ले। इसके साथ हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। मैंने 2 हरी मिर्च लिया है क्योंकि बाद में इसमें हम लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे। प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक फ्राई होने देते हैं। तो प्याज अभी हल्का सॉफ्ट हो गया है, इससे ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे वरना ये ब्राउन हो जाएगी। अभी इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो लीजिए, टमाटर भी हमारे फ्राई हो गए हैं। और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से सब्जियाँ जो आज मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन अगर आपके पास सब्जी नहीं होना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ प्याज टमाटर से इसे बनाइए, तब भी ये बहुत टेस्टी लगती है। तो सब्जियों को मैंने 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ मसाले। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। मसालों को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है वो चली जाए। अभी इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। मैं 3 पैकेट मैगी बना रही हूँ इसलिए 3 कप पानी ऐड कर रही हूँ। पानी में अभी उबाल आ गया है, अभी हम इसमें मैगी नूडल्स ऐड कर देंगे। मैगी का जो मसाला है वो अभी मैं नहीं डाल रही हूँ, उसे हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो इसे पकने देते हैं 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हो गए हैं मुझे इसे पकाते हुए और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैगी मसाला। स्ट्रीट स्टाइल मैगी जो होती है ना, वो ऐसे ही ग्रेवी वाली होती है, ज्यादा ड्राई नहीं होती। तो एक बार इस तरीके से मैगी को बनाकर देखिए, आई होप आपको पसंद आएगी। मैगी एक ऐसी चीज है जो बच्चे बड़े सभी को पसंद है, तो वीडियो देखकर भूल मत जाना घर में एक बार जरूर ट्राई करना। मैं आपसे मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी कुकिंग।